नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। कोरोना महामारी बीमारी से बचाव को लेकर रोहतास में विकास तिलोथू रोहतास के बैनर तले जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पंचायत के लोगों को बताया गया कि साबुन से हाथ धोना चाहिए और मास्क पहनकर ही बाहर निकले। रोहतास में कोरोना महामारी बीमारी से बचाव को लेकर बिहार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के आधार पर परिवर्तन विकास तिलोथू रोहतास के बैनर तले आदर्श ग्राम पंचायत ढोंडांड में वार्ड नंबर 1 लालसा देवी और वार्ड नंबर 2 के इंदु देवी सदस्यों द्वारा पंचायत के लोगों को कोरोना बीमारी से किस तरह से बचाया जाए, लोगों को जागरूकता अभियान के तहत बताया गया कि साबुन से हाथ धोना चाहिए और आवश्यकतानुसार बाहर जाने पर मास्क लगाना चाहिए, मुंह और नाक को साफ कपड़े से ढकना चाहिए। इस बीमारी के 3 लक्षण हैं, सर्दी, सूखी खांसी और बुखार, ये तीनों चीज रहने पर डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। आदर्श ग्राम पंचायत धौरण से वार्ड सदस्य हूँ और ये जो संगठन के तहत से हम लोगों का आया है तिलोथू प्रखंड से, कोरोना महामारी को लेकर के इस प्रचार प्रसार में हम सब महिला के साथ में मतलब मिल करके सबको सब दीदी को बता रहे हैं कि कैसे मतलब घर से बाहर कब निकलना है और क्यों निकलना है। जब आपको आवश्यकता हो, मान लीजिए कि कोई घर में तबीयत खराब हो गया या खाने के लिए आपको कुछ लाना हो, तो ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे चीज के लिए आप बाहर निकल सकते हैं। जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलना है, अन्यथा ऐसे नहीं निकलना है। अपने हाथ को बार बार साबुन से धोना है, अपना बेड बिस्तर साफ रखना है, अपने घर में किसी दूसरे को नहीं आने देना है, अगर आता भी है किसी काम से तो उससे अपना दूरी बना कर रहना है और मास्क लगा कर बात करना है। बस इतना ही कहकर अपने बहन को बोलना। तो वार्ड सदस्य हो रहा है कि संस्था से? संस्था द्वारा हो रहा है। किस संस्था से? परिवर्तन विकास से। अच्छा, कहाँ का है? तिलोथू प्रखंड का है, ऐसे दहंगर प्रोजेक्ट से इसको मतलब चलता है। अच्छा अच्छा। इसमें विनोद सर, महिमा दीदी, सविता दीदी और सहीना मैडम, इन्हीं सब लोग के तहत से और हम लोग वार्ड सदस्य के तहत से इस सब संस्था को चलाया जाता है। सारे लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं कि डिस्पेंस बना कर रखें? जी, डिस्पेंस बना कर रखना है, हाथ में सैनिटाइजर लगाना है, मुंह में मास्क लगाना है और अपने नहीं अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी लगाना है और एक दूसरे से दूरी बना कर रहना है। मास्क का वितरण सबको हुआ है? जी हाँ, संस्था के माध्यम से। संस्था के माध्यम से वितरण नहीं किया गया है, कहीं कहीं संस्था के माध्यम से भी वितरण हुआ है, मतलब कुछ कुछ आदमी को, और बाकी जो है हम लोग के वार्ड सदस्य की तरफ से वितरण किया गया है मास्क का। जब जागरूक कर रहे हैं तो सारे लोग को, मान लीजिए जहाँ चल रहे हैं आप, जिस जी गाँव वहाँ हुए जी, तो वहाँ सैनिटाइज चाहे मास्क को लेकर चलना चाहिए। हाँ, ये तो बात है, लेकिन हम लोग के पास अभी सब उपलब्ध नहीं है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।